Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss from section 35 of Land Acquisition Act 1894. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. In this video, we will discuss part 6 of this act and that deals with the topic of temporary occupation of land. टेंपरेरी ऑक्युपेशन ऑफ लैंड से क्या मुराद है कि आरजी तौर पर किसी जमीन का कब्जा हासिल करना अब इससे क्या मुराद है ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसकी जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो सेक्शन 35 से सेक्शन 37 तक हैं हम वन बाय वन इन सेक्शंस को डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन 35 के ऊपर सेक्शन 35 को अगर हम देखें तो सेक्शन 35 कहता है टेंपरेरी ऑक्युपेशन ऑफ वेस्ट और एरेबल लैंड एंड प्रोसीजर वैन डिफरेंशन एग्जिस्ट अब अगर आप इस सेक्शन के टाइटल को देखें तो इस सेक्शन के टाइटल में दो चीजों का जिक्र किया गया है टेम्पररी ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड एंड प्रोसीजर वैन डिफरेंस एग्जिस्ट पहली बात की आर्जी तौर पर जमीन का कब्जा हासिल करना और दूसरी बात कि जब अगर दोनों पार्टीज के दरमियान कंपनसेशन सेटल डाउन नहीं होती उस पर किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन आ जाती है तो फिर क्या प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाएगा सेक्शन so, की क्लॉज वन कहती है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ पार्ट सेवन ऑफ दिस एक्ट वेन एवर इट अपर्स टू दी कमिश्नर दट टेम्पररी ऑक्यूपेशन एंड यूज ऑफ एनी वेस्ट और एरेबल लैंड आर नीडेड फॉर दी पब्लिक पर्पज और फॉर अ कंपनी द कमिश्नर में डायरेक्ट द कलेक्टर टू प्रोक्योर दुपेशन एंड यूज ऑफ द सेम फॉर सच टर्म नॉट एक्सीडिंग थ्री इस फ्रॉम दमेंसमेंट ऑफ सच ऑक्यूपेशन अब पीछे हमने क्या डिस्कस किया था गवर्नमेंट को अपने किसी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए परमानेंटली कोई जमीन चाहिए तो वो परमानेंटली उसके लैंड ऑनर से वो जमीन खरीद लेते हैं एक्वायर कर लेते हैं अब इस सेक्शन के अंदर बात की गई है कि टेम्परे तौर पर अगर गवर्नमेंट को कोई जमीन चाहिए या किसी कंपनी को अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन चाहिए तो जब कभी कमिश्नर के नोटिस में ये बात आती है कि गवर्नमेंट को आर्जी तौर पर किसी जगह पर कोई जमीन चाहिए चाहे कंपनी है या गवर्नमेंट है तो ये कमिश्नर क्या करेगा ये कमिश्नर फर्दर नोटिस देगा कलेक्टर को कलेक्टर को नोटिस देगा कि टेम्पररी बेसिस पर गवर्नमेंट या कंपनी को किसी जगह पर कोई जमीन चाहिए तो तुम फलान जगह पर या किसी मौजूद जगह पर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो जमीन एक्वायर करो अब इस कलेक्टर की क्या जिम्मेदारी है ये कलेक्टर गवर्नमेंट के उस प्रोजेक्ट की के लिए जमीन तलाश करेगा और तीन साल के अरसे तक जो टेम्प्रेरी पीरियड है वो तीन साल का अरसा है तीन साल के अरसे के लिए वो जमीन उनके लैंड ऑनर से एक्वायर करेगा टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर कोई भी एग्रीमेंट करके अब सब क्लास टू पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी द कलेक्टर शेल कॉज पब्लिक नोटिस ऑफ सब्सटेंस ऑफ डायरेक्शन टू बी गिवन एट कन्वीनियंट प्लेसेस इन लोकेलिटी इन विच द लैंड इज सिचुएटेड देयर अपॉन इट शेल बी लॉफुल फॉर एनी ऑफिसर इधर जनरली और स्पेशली ऑथराइज बाय कलेक्टर इन दिस बिहाफ एंड फॉर सर्वेंट्स एंड वर्कमैन ऑफ सच ऑफिसर टू एंटर अपॉन एंड सर्वे एंड टेक ऑफ एनी लैंड इन सच लोकलिटी अब कलेक्टर के नोटिस में ये बात आई कि उसको गवर्नमेंट के के प्रोजेक्ट लिए ज़मीन एक्वायर करनी है। सबसे पहले वो उस इलाके का सर्वे करेगा सर्वे करने के बाद वहां पे जो उस लोकेलिटी के अंदर मौजूद लोग हैं यानी के जो लैंड ऑनर्स हैं जो लैंड लॉर्ड हैं, सबसे पहला काम ये इनको नोटिस भेजेगा उस नोटिस के अंदर तमाम चीजें लिखी जाएंगी कि गवर्नमेंट को जमीन चाहिए गवर्नमेंट ने फलां पर्पज के लिए जमीन को एक्वायर करना है और इस नोटिस को वो उस लोकेलिटी के अंदर चिपसां कर देगा एक इश्तेहार के तौर पर लगा देगा ताकि लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि ये जमीन गवर्नमेंट ने एकवायर करनी है फिर जब नोटिस शाया हो गया उसके बाद अब इन लोगों के लिए कानूनी है कि या तो कलेक्टर ऑन इन पर्सन या फिर अपने बिहाफ पे अपने वर्कमैन अपने जो कारकुनान हैं अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको भेजे कि वो उस जमीन पर एंटर हो और एंटर होने के बाद वो उस जमीन को लेवल अप करें फिर क्लॉज थ्री कहती है ऑन द ऑफ द लैंड एक्वायर्ड, द कलेक्टर शेल गिव द नोटिस इन राइटिंग टू दर्सन इंटरेस्टेड इन सच लैंड ऑफ द फॉर विच द सेम इज नीडेड एंड शेल फॉर ऑक्यूपेशन एंड यूज देयर ऑफ फॉर सच टर्म एंड फॉर द मटीरियल इफ एनी टू बी टेकन देयर फॉम पे टू दम सच कंपन और मिलती है कि गवर्नमेंट ने किस परपज के लिए लैंड एक टेम्परे बेसिस के ऊपर तो जब उसे ये रिसीट मिलती है इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो क्या करेगा कलेक्टर के लिए लाजमी है कि वो उन इंटरेस्टेड पर्सन को मीन्स लैंड ऑनर्स को लैंड लॉर्ड्स को एक रिटर्न नोटिस भेजेगा और उस रिटर्न नोटिस के अंदर वो ये चीज मैंशन करेगा कि किस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने या किसी कंपनी ने ये लैंड एक्वायर करनी है वो पर्पज उसके अंदर मैंशन करेगा और अगर उस जमीन के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी काम वगैरह करना है तो वो चीज भी मैंशन करेगा और साथ ही साथ उस नोटिस के अंदर फिर उनके दरमियान जो कंपनसेशन से एग्रीमेंट किया जाएगा वो भी लिखा जाएगा अब कंपनसेशन किस तरह से उनके दरमियान डिटर्मिन की जाएगी जब दोनों पार्टीज आपस में एग्रीमेंट कर लेंगी कि इस जमीन की इतनी कंपनसेशन बनती है तो फिर उस एग्रीमेंट के अंदर यह चीज भी मेंशन की जाएगी कि अब यह कंपनसेशन जो इंटरेस्टेड पर्सन है उनको देनी किस तरह से है आया मंथली बेसिस पे है डेली बेसिस पे है या एनुअल बेसिस के ऊपर है जो भी तरीका कार वो आपस में सेटल डाउन करेंगे वो उस एग्रीमेंट के अंदर लिख देंगी महाना आपको गवर्नमेंट की तरफ से इस तीन साल तक इस जमीन के मुतालिक किराया दिया जाएगा या एनुअली बेसिस पर भी या जिस तरह से भी वो मुनासिब समझते हैं वो आपस में एग्रीमेंट कर लेंगे और फिर उसके बाद उस एग्रीमेंट के ऊपर अपना सिग्नेचर कर लेंगे उसके बाद कहा गया है क्लॉज फोर को अगर हम देखें तो क्लॉज फोर कहती है इन केस द कलेक्टर एंड इंटरेस्टेड डिफर एज टू इनकेसलेक्टर ऑफ और द कलेक्टर शेल रेफर सच डिफरेंस टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट अब इसमें कहा गया है कि एक टाइम पे अगर कलेक्टर ने कंपनसेशन डिटर्मिन कर ली कि इतना तीन साल तक इतना किराया आपको दिया जाएगा इस जमीन के ऊपर अगर तो कलेक्टर और इंटरेस्टेड पर्सन के दरमियान ऑब्जेक्शन अराइज हो जाती है डिस्प्यूट अराइज हो जाता है डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं और इंटरेस्टेड पर्सन ये कहता है कि आपने इस जमीन का जो किराया मुख्त किया है वो इस जमीन के हवाले से कम है इस जमीन का इतना नहीं बल्कि इतनी कंपनसेशन बनती है तो अगर इनके दरमियान ऐसी कोई एतराज अराइज हो जाता है ऐसा कोई डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं चाहे वो कंपनसेशन से मुतालिक है या उसकी अपोर्समेंट से मुतालिक केस लैंड ऑनर एक से ज्यादा है तो फिर ऐसी सूरत में के अंदर रेफरेंस फाइल करेगा कंसर्न कोर्ट के अंदर और फिर कंसर्न कोर्ट इनके दरमियान के जो भी डिफ्रेंसेज है उनको डिसाइड करेगी उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन थर्टी सिक्स के ऊपर सेक्शन थर्टी सिक्स में तीन बातें की गई है सेक्शन थर्टी सिक्स का टाइटल देखें तो पावर टू इंटर एंड टेक पोजेशन एंड कंपनसेशन ऑन रेस्टोरेशन पहली बात किस किस पावर्स की बात की गई है जमीन के ऊपर दाखिल होने की उस जमीन का कब्जा लेने की और तीसरी बात कंपनसेशन ऑन रेस्टोरेशन के जब वो जमीन रिस्टोर कर ली जाएगी तो उसकी जो कंपनसेशन है उसके बारे में बात की गई है सो क्लॉज वन कहती है ऑन पेमेंट ऑफ सच कम्पनसेशन और कलेक्टर ऑफ दैंड यूज और परमिट दूसर ऑफ इन अकॉर्डेंस विदर्म्स ऑफ दोटिस अब अगर तो उनके दरमियान कंपनसेशन डिसाइड हो गई कंपनसेशन ले ली गई रिसीव हो गई इंटरेस्टेड पर्सन की तरफ से एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लिया गया जो भी उनके दरमियान जमीन की पोजेशन का एग्रीमेंट हुआ था या फिर अगर तो सेक्शन 35 के अंदर उनके दरमियान कोई डिफरेंसेस डिफरेंसिसराइज हुए और डिफरेंसेस अराइज होने के बाद रेफरेंस फाइल किया गया कलेक्टर की जानब से इन दी कंसर्न कोर्ट जब ये तमाम काम हो गए उसके बाद द कलेक्टर में एंटर अपॉन अब कलेक्टर के लिए लॉफुल हो गया है उसके लिए कानूनी हो गया है कि वो अब उस जमीन पर एंटर हो सकता है और उस जमीन का कब्जा हासिल कर सकता है कब्जा हासिल करने के बाद उस जमीन को जिस तरह से भी जो चीज एग्रीमेंट में लिखी गई थी कि इस पर्पस के लिए चाहिए उस पर्पज के लिए वो उस जमीन को यूज कर सकता है इसके साथ ही अगर हम क्लॉज टू को देखें तो क्लॉज टू कहती है ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म द कलेक्टर शेल मेक और टेंडर टू दी पर्सन इंटरस्टेड कंपनसेशन फॉर द डैमेज इफ एनी डन टू दैंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाय दीमेंट एंड शेल रीस्टोर द लैंड टू दी पर्सन इंटरेस्टेड दियर इन अब ये क्लॉज कहती है ऑन दी एक्सपायरेशन ऑफ दी टर्म मींस टू से कि अगर तो जितने टाइम पीरियड के लिए कलेक्टर ने इंटरेस्टेड पर्सन से लैंड ली थी अब इंटरेस्टेड पर्सन अपनी जमीन को रिस्टोर कर सकते हैं उनको रेस्टोरेशन का टाइम आ गया है तो ऐसी सूरत में रेस्टोरेशन के टाइम पे अगर तो उन इंटरेस्टेड पर्सन की जमीन के ऊपर किसी तरह के कोई डैमेजेस हो गए हैं यानी कि उस जमीन को किसी भी तरह का को कोई नुकसान पहुंचा है ड्यूरिंग दिस टेम्परेशन ऑफ दी लैंड फॉर एग्जांपल अगर उस जमीन के ऊपर कोई फसलें वगैरह उगाई गई थी कोई दरख्त वगैरह लगाए गए थे जो कि ड्यूरिंग दी एक्विजिशन तमाम चीजें हटा दी गई फसलें वगैरह तबाह हो गई तो ऐसी सूरत में कलेक्टर के लिए लाजमी है कि जो जो जमीन के ऊपर नुकसान हुए हैं जैसी जमीन उसने इंटरेस्टेड पर्सन से ली थी उसी तरह की जमीन एज इट इज वो जमीन उन इंटरेस्टेड पर्सन को वापस की जाएगी एज पर जनरल रूल जनरली आपने उनसे जमीन ली कुछ अरसे के लिए बाद में आपने उनको वो जमीन वापस करनी है अब आपके लिए लाजमी है कि जैसी हालत में जमीन ली थी आपने उसी हालत में वो जमीन उनको वापस करनी है लेकिन इसके साथ एक प्रोवाइज़ो अटैच की गई है और वो प्रोवाइज़ो कहती है इफ द लैंड हैज बिकम परमानेंटली अनफिट टू बी यूज़ फॉर द पर्पस फॉर व्हिच इट वाज यूज्ड इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सच टर्म एंड इफ द पर्सन इंटरेस्टेड सो रिक्वायर द कमिश्नर शेल प्रोसीड अंडर दिस एक्ट टू एक्वायर द लैंड एज़ इफ इट वाज नीडेड परमानेंटली फॉर अ पब्लिक पर्पस और फॉर अ कंपनी अब यह प्रोवाइजो कहती है कि अगर तो कलेक्टर ने जो जमीन एक्वायर की थी अगर तो गवर्नमेंट का पर्पज एस्टेब्लिश करने के बाद वो परमानेंटली अनफिट हो गई है यानी कि अब वो जमीन इंटरेस्टेड पर्सन के किसी काम की नहीं रही यानी कि वो काबले काश्त नहीं रही अब उस पर किसी भी तरह की कोई भी प्रोडक्शन नहीं की जा सकती ऑल दो पहले उसके ऊपर फसलें वगैरह उगाई गई थी जिससे उस इंटरेस्टेड पर्सन को फायदा हो रहा था लेकिन गवर्नमेंट की एक्विजीशन के बाद अब वो जमीन उनको उस हालत में वापस नहीं की जा सकती अब वो काबले काश्त नहीं रही तो फिर सूरत में अगर तो ये इंटरेस्टेड पर्सन चाहे तो वो कमिश्नर को ये कह सकता है उसको एक एप्लीकेशन लिख सकता है कि चूंकि गवर्नमेंट ने ये जमीन मुझसे टेम्प्रेरी बेसिस पर ली थी अब मुझे ये जमीन मुझे वापस उस हालत में लुटाई नहीं जा रही अब ये जमीन मेरे किसी काम की नहीं है तो लिहाजा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि वो ये जमीन मुझसे परमानेंटली तौर तो पर खरीद ले तो फिर ये गवर्नमेंट उससे वो जमीन खरीद सकती है यानी कि जनरल रूल क्या है जैसी जमीन लोगे उसी हालत में वापस करोगे प्रोवाइजो कहती है अगर उस हालत में वापस नहीं कर सकते तो फिर परमानेंट तौर तो पर आप उस बंदे से वो जमीन खरीद कर उसको उसके बदले में जमीन का मुआवजा अदा कर दिया जाएगा उसके बाद आ जाए तो लास्ट सेक्शन है सेक्शन थर्टी सेवन सेक्शन थर्टी सेवन कहता है डिफरेंसेस एज टू कंडीशन ऑफ लैंड अब कंडीशन ऑफ द लैंड से क्या मुराद है सो so, सेक्शन थर्टी सेवन को अगर हम देखें इन केस कलेक्टर एंड पर्सन the डिफर एज टू दंडीशन ऑफ the लैंड एट द एक्सपायरेशन ऑफ matter और एज टू एनी मैटर कनेक्टेड collector द कलेक्टर शेल रेफर सच the डिसीजन ऑफ द कोर्ट ये सेक्शन कहता है की अगर तो कलेक्टर और इंटरेस्टेड पर्सन के दरमियान किसी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ द लैंड अब कंडीशन ऑफ द लैंड से क्या मुराद है फॉर एग्जाम्पल के अगर तो जमीन एक्वायर करते वक्त ये चीज एग्रीमेंट में लिखी गई थी कि इस जमीन को इस इस तरह से टेम्पररी बेसिस के लिए गवर्नमेंट को दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर उस जमीन के ऊपर बोरिंग वगैरह हुई हुई थी या कोई ट्यूबवेल वगैरह था जिससे पानी हासिल हो रहा था उस जमीन को शराब करने के लिए जो पानी अब भी जरूरत है गवर्नमेंट को अपने पर्पज के अकम्पलिशमेंट के दौरान और ये जो इंटरेस्टेड पर्सन है ये वो पानी देने से इनकार कर देता है कहता है कि मेरा जो ये कुआं था अब मैं इससे पानी नहीं दूंगा जब आपने ये लैंड एक्वायर कर ली है तो अगर तो ऐसा कोई डिफरेंस इनके दरमियान अराइज हो जाता है तो फिर कलेक्टर के लिए जरूरी है कि वो एक रेफरेंस फाइल करेगा कोर्ट के अंदर कंसर्न कोर्ट के अंदर और फिर ये कंसर्न कोर्ट इन दोनों के मयान जो डिफरेंसेस अराइज हुए हैं उनको डिसाइड करेगी कि अगर दोनों पार्टीज के दरमियान डिफरेंसेस रायज हो रहे हैं जमीन की हालत को लेकर तो फिर ऐसी सूरत में कलेक्टर इस केस को रेफर करेगा कोर्ट को और फिर कोर्ट इनके दरमियान इस चीज को डिसाइड करेगी सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 35 से सेक्शन 37 के ऊपर आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें Thank you so much for watching this video. Till then, Allah Hafiz.